हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश प्रासर आपका स्वागत करता हूं मेरी नई वीडियो में। आज की जो वीडियो है वो है हमारी एनडीटी टेस्टिंग, जिसको जो है हम लोग रिबाउंड हैमर से करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये रिबाउंड हैमर है और इससे हम लोग एनडीटी टेस्टिंग करते हैं, जिसका नाम नॉन डिस्ट्रक्टेबल टेस्टिंग है। जब भी हमारा कोई क्यू फेल हो जाता है तो हम लोग इसको जो है करते हैं, और उसके बाद जो है अगर फिर भी सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो फिर उसके लिए जो है कोर कटिंग की जाती है। लेकिन जो कोर कटिंग है वो डिस्ट्रक्टेबल टेस्ट है, लेकिन ये जो है ये नॉन डिस्ट्रक्टेबल टेस्ट है। इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये डायल गेज है इसका, यहाँ पे जो है इसकी रीडिंग आती है, उसको फिर इस ग्राफ के साथ जो है कंपेयर किया जाता है। तो ये इसके पिन है और सामने जो है इसका प्लंजर है, इसको हम अभी निकालते हैं यहाँ से और इसका मैं आपको पूरा डेमोन्स्ट्रेशन अभी करके दिखाता हूँ। तो ये लीजिए, इसको जो है हम लोग पहले अपने स्ट्रक्चर को जो है थोड़ा सा तैयार कर लेंगे, ताकि ये बिल्कुल उसके परपेंडिकुलर हो और बिल्कुल सीधा इसको रखेंगे हम लोग, वर्टिकल चाहे हॉरिजॉन्टल। तो इसको हिट करेंगे और ये साउंड देखिए आपने अभी, उसके बाद जो है इसको पिन से हम लॉक कर देंगे। तो यहाँ इसका आप वैल्यू देख लीजिए, अभी डायल गेज पे जो है ये 29 है। तो इस वैल्यू को जो है फिर हम लोग ये जो ग्राफ देख रहे हैं आप, इस ग्राफ पे जो है हम लोग इस पर कंपेयर करके जो है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है जी, इसका मैं एक और डेमो आपको करके दिखाता हूँ। ये दूसरा जो है हम लोग इसको पिन को रिलीज़ किया, ये दोबारा से हम लोग इसको प्रेस करेंगे टूवर्ड्स द स्ट्रक्चर और ये पिन से इसको लॉक कर देंगे। तो आप दोबारा देख लीजिए, इसकी जो वैल्यू है अभी नियर अबाउट 30 है। तो 30 इसकी वैल्यू आ गई, इसको दोबारा से हम लोग इस ग्राफ से जो है कंपेयर करके इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। तो अगर हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सेटिस्फैक्ट्री है तो फिर देयर इज नो नीड टू डू द डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तो हम लोग फिर डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जो कि कोर कटिंग होती है, इससे हम लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे। क्योंकि क्यूब जो है वो कभी भी फेल हो सकते हैं, क्योंकि क्यूब फेल होने के बहुत सारे कारण, एक नहीं है, तो क्यूब फेल हो सकते हैं। लेकिन हमारा स्ट्रक्चर ठीक है